हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ NYBAE का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर है, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ही है मेरे पास NYBAE की ब्रो आईब्रो पेंसिल है, उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। आईब्रो पेंसिल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर रेजिस्टेंट है, स्मज प्रूफ है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आपको रिव्यू देख के पता ही चल जाएगा। और जो NYBAE का लिक्विड कंसीलर है उस पर भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग लास्टिंग है और लाइट वेट फॉर्मूला है, इवन स्किन टोन है, ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपको नेचुरल कवरेज देता है। ये आपको मिलेगा 195 रुपीज़ का। इंग्रेडिएंट लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी देखते हैं कैसा है अंदर से, बाहर से आप पैकेजिंग देख सकते हो, सेम ही होती है हर चीज़ की इनकी। प्लीज़ रिव्यू देख के बताना आपको कैसा लगा है। और मैं क्या करूँगी, आपकी आईब्रो जो मेरे पास आईब्रो पेंसिल है उसका रिव्यू तो करूँगी, उसको अपने हाथ पे लगाऊँगी और कंसीलर के साथ उसे अच्छे से कवर करूँगी। आपको दिखाऊँगी आपके डार्क स्पॉट भी इसी तरह होते हैं, कैसे कवर होता है कि कवर नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम पेंसिल देख लेते हैं, ब्राउ पेंसिल कैसी लग रही है। ये बिल्कुल, ये तो नेचुरल कलर दे रही है, कोई ज़्यादा ब्लैक नहीं दे रही है, कलर बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, स्मज ये होती है। और कंसीलर की बात करें तो कंसीलर ग्रीन कलर का है और मेरे पास बाकी भी NYBAE के जो क्रीम बेस थे वो भी है मेरे पास पड़े हुए। नेक्स्ट रिव्यू में उसका भी रिव्यू साथ में करूँगी। ये मैं यहाँ पर जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है उसे मैं अच्छे तरह से कवर कर दूँगी, देखते हैं कि ये कवर कर पाता है कि नहीं पाता है। और ये तो वाटरप्रूफ है और आप किसी भी स्पॉन्ज से, ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये। और प्लीज़ आप इसे फाउंडेशन से पहले ही लगाएं, ये ना हो कि आप पहले फाउंडेशन लगा लें उसके बाद इसे अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। आपको इसे फाउंडेशन से पहले अप्लाई करना है और ये अच्छे से ब्लेंड तो होता है लेकिन इसने स्पॉट्स जो हैं कवर नहीं किए। आपको इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे कंसीलर करेक्टर्स, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, ऑरेंज कलर में मिल जाएगा, ब्राउन कलर में मिल जाएगा। मैं इसे फिर से अप्लाई करी हूँ एक बार तो फिर अच्छे से आपको अच्छी खासी नेचुरल कवरेज आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। और जो क्रीम वाला है वो मेरे पास काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, जब से आया था तब से ही मैंने उसे, जब purple.com पे था तब मैंने उसे बाय किया था जब न्यू लॉन्च हुआ था, तो वैसे ही पड़ा है। मैं आपके साथ नेक्स्ट रिव्यू में ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो आईब्रो पेंसिल है ये नेचुरल तो देगी आपको, नेचुरल तो आपको देगी, नेचुरल है ये, बिल्कुल अच्छा कलर देगी आपको नेचुरल सा, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेगी। लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, अगर आपका हाथ, आपकी फिंगर जो है आईब्रो पे टच हुई तो ये आपकी फिंगर पे ब्लैक कलर आ जाएगा, इतना तो मैं आपको सच बता सकती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, कोई भी जो सच है वही बताऊँगी। प्लीज़ आप इसे लेना चाहते तो ले लीजिए, अगर आप नॉर्मल घर में यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। ये जो कंसीलर है ये भी आप घर पे यूज़ करो, अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हो तो यूज़ करो, लेकिन ये आप ब्राइडल पे मत यूज़ कीजिएगा। अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अगर किसी को पार्टी में जाना है, वो आपसे तैयार होने आया है, मेकअप करवाना है, तो प्लीज़ उसके मत इसे यूज़ करना। और बहुत ही अच्छे हैं सब कुछ, और बाकी आप देख लो आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। एक बार फिर से मैंने साफ़ कर दिया, एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये आप देख सकते हो अच्छे से ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल नेचुरल दे रहा है, नेचुरल है, ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं है, जैसे कि आम पेंसिल्स होती हैं उनका बिल्कुल ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। और ये स्मज अच्छे से हो जाता है, आप देख सकते हो बिल्कुल ये साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।